देखिए, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक खान है और मुझे लोग सैफुल्ला फ़ारूक के नाम से जानते हैं। और मैंने 89 के अंदर मिल्टनसी ज्वाइन की थी, और कुछ टाइम में JKLF के साथ रहा और कुछ टाइम में हरकत उल मुजाहिदीन के साथ रहा। जी देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि मैंने ट्रेनिंग पाकिस्तान में की थी। जी उसके बाद मैंने जी नहीं सर, मैं सरेंडर नहीं हुआ। मैं अरेस्ट अरेस्ट हुआ 7 सितंबर 1991 को, और मैं बहुत टाइम जेल में रहा, और माशाल्लाह जेल में मुझे पढ़ने का मौका भी मिला। देखिए, उस टाइम मेरी उम्र कोई 17-18 साल की रही होगी जब मैंने मिल्टनसी ज्वाइन की थी। तो उस टाइम पूरा पूरा शऊर भी नहीं था, और हमें कुछ यारों दोस्तों ने ये समझाया था कि तू मिनू न बिल्ला है व तुझा है दू नफी सभी बिल्ला है बे अमवालिकुम व अनफुसिकुम जालिकुम खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, के भाई आप अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ और रसूल सल्लम के ऊपर ईमान लाओ और जिहाद जिहाद करो अपनी जान से अपने माल से। लेकिन हमें 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 कुरान का खाली तर्जुमा बताया गया था, उसकी तफसीर नहीं बताई गई थी। तो जिसकी वजह से हम जज्बाती हो गए और हमने आकर ये मिल्टनसी ज्वाइन की। देखिए सर, मिल्टनसी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ कारोबार नहीं है। हमारे यहाँ ड्रग का कारोबार आम हो गया है, हमारे यहाँ चरस का काम और आम हो गया है। हमें यहाँ पर इज्जत इज्जत के साथ कारोबार नहीं मिल रहा है। इस मिल्टनसी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर कारोबार नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जिहाद और क़िताले फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिहाद वो भी है जो अगर आप अपने बच्चों के लिए खाना कमा रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों के माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, इसको रसूल अल्लाह ने जिहाद अकबर कहा है। क़िताले फ़ी सबीलिल्लाह तो 13वें नंबर पर आता है, जो हमें पता ही नहीं है। अभी मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, अभी हमें इतना पता नहीं होता, कुरान पूरा पता नहीं है। हम उसके अंदर कुरान अलहमद शरीफ की हमने तशरीह नहीं पढ़ी, और हम सूरह तौबा पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर क़िताले फ़ी सबीलिल्लाह का अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर जिक्र किया है। क़िताले फ़ी सबीलिल्लाह और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहेंगे फ़र्क कैसे है? फ़र्क इस ढंग से है कि जिहाद वो चीज़ है कि अगर आप सड़क के ऊपर कुत्ता मर रहा है, आपने उसको पानी पिलाया, ये भी जिहाद है। अगर आपने किसी गरीब के ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाया तो ये भी जिहाद है। क़िताले सबीलिल्लाह वो चीज़ है कि अल अर्ज़ु लिल्लाह वल हुक्मु लिल्लाह, कि अगर कोई रेपिस्ट है, रेप कर रहा है, उसको आप सज़ा दिलाने के लिए उसका उसको उसको कत्ल कर रहे हैं, तो ये फी क़िताले फ़ी सबीलिल्लाह है। देखिए, पाकिस्तान में तो मुझे ये बताइए, उनको पता है जिहाद क्या होता है? उनको खुद नहीं पता जिहाद क्या होता है। फिर वो जिहाद की और क़िताले फ़ी सबीलिल्लाह की डेफिनेशन अलग अलग नहीं करते। किताले फिर आप या तो मुझे आप समझ नहीं पा रहे या मुझे समझाना नहीं आ रहा है। मैं आपको इस ढंग से समझाता हूँ मेरे अजीज़ दोस्त, कि किताले फ़ी सबीलिल्लाह सिर्फ अल्लाह के लिए कत्ल किया जाता है। कि उसके अंदर ये होता है कि भाई अल्लाह के लिए जंग करो, आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आपके ऊपर आपकी बहन बेटियों की इज्जत सेफ नहीं है, आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, आपको परेशान किया जाता है, इसलिए किताले फ़ी सबीलिल्लाह होता है। तो जिहाद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब यही है कि आप दुनिया के अंदर एक ऐसा काम करके जाओ जो नेकी और इंसानियत का हो, ये भी किताल ये जिहाद है। इस देखिए सर, एक बात बताऊं मैं, सबसे बड़ी बात है, आप मैं गवर्नमेंट से एक बात कहना चाहूँगा आपकी वसादत से, कि जो कश्मीर के अंदर ड्रग का काम सरेआम हो रहा है, इस काम को बंद करा दीजिए, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। जो बेहयाई और उरियानी चल रही है, इसको कम कर दीजिए, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप हमारे जवान को नौकरी दे दीजिए, एक अच्छा कारोबार दे दीजिए, सारे मसले हल हो जाएंगे। आप देखिए, मैं बहुत दिनों जेल रहा हूँ, जेल से जब मैं छूट कर वापस आया तो मुझे किसी ने काम नहीं दिया। बहुत से ऐसे दोस्त हैं मेरे जो किराए के मकान में रहते हैं, उनको किराए पर कमरा नहीं देते हैं लोग, जो जो बेचारे मिलिटेंट हैं, जो रिलीज़ होकर आए हैं,
8 साल 10 साल 5 साल की जेल काट के आए हैं, उनको सोसाइटी ओन नहीं करती है। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि भाई आप हमें इज्जत से वक़ार से रहने का मौका दीजिए। देखिए जेल के अंदर भी एक ताराशाही चलती है। मैं कोट बलवाड़ जेल के अंदर था तो कुछ कमांडर मेरे साथ ऐसे थे कि उन दिनों मेरी उम्र बड़ी छोटी थी, कुछ कुछ कमांडर ऐसे थे जिन्होंने मुझसे एक, मैं अपने कपड़े धो रहा था, उन्होंने मुझसे कहा ज़रा यार ये मेरा शलवार कमीज़ भी धो दो। तो मैंने सोचा चलो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, कमांडर हैं, हमारे अजीज़ हैं, मैंने उनका एक कुर्ता पजामा धो दिया, इससे कोई कम नहीं होता है। लेकिन उसके बाद उनकी एक रूटीन बन गई कि हमेशा मुझसे कहना है कि नहीं जी आप हमारे कपड़े धो। भाई क्यों धोऊं मैं आपके कपड़े, जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ। इस बात के ऊपर मेरे बड़े तनाज़े रहे उनके साथ, जैसे कि बड़े बड़े जो कमांडर हैं वहाँ पर वो भी इस्तेसाल करते हैं, आप माने या ना माने वो भी इस्तेसाल करते हैं। चावल बनाने की हमारी ड्यूटी है, खाना बनाने की हमारी ड्यूटी है, कपड़ा धोने की हमारी। भाई क्यों ऐसा क्यों है? अगर हम जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको एक साथ और एक ही जगह पर खड़े होकर रहना चाहिए। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों हमसे कपड़े धुलवाते हैं, क्यों हमारे साथ इस्तेमाल करते हैं। देखिए सर मैं आपको एक बात बताऊं, मुजाहिद में और मिलिटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं थोड़ा सा आपको अपने नबी का दीन सुना दूं। देखिए साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु फातह ईरान है और उनको हजरत सिद्दी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान का गवर्नर मुकर्रर किया है। ये वो गवर्नर ही नहीं है जो मिठाई बटी और उनको मिल गई है, उन्होंने खुद जीता है, उसको फतह किया है। साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मकान के सामने एक ड्योड़ी बना ली और उसके ऊपर एक दरबान खड़ा कर दिया। ये मैं डेफिनेशन कर रहा हूँ मिलिटेंट की और मुजाहिद की। जिस टाइम हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये बात पहुँची तो उन्होंने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक रुक्का दिया, एक ख़त दिया और उसके अंदर लिखा नहीं जब रुक्का दिया और कहा ए बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आप साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ, जाते ही उस ड्योड़ी में आग लगा देना, बाद में ये रुक्का उनके हाथ में देना। तो जब वो वहाँ गए तो उस ख़त के अंदर लिखा हुआ था ए साद रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ने मुसलमानों की अल्लाह की मखलूक ने अल्लाह के मखलूक की माओ ने औलादों को आज़ाद जना था, तुमने उन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। तो ये डेफिनेशन है हमें वो देखिए मुजाहिद किसे कहते हैं, मुजाहिद का नाम ही बहुत बुलंद है। मुजाहिद किसी को बेगुनाह कत्ल नहीं करता है। कुरान कहता है जिस इंसान ने किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल किया उसने आलम इंसानियत का कत्ल किया, जिसने किसी इंसान की जान बचाई उसने आलम इंसानियत की जान बचाई। आप देखिए मेरा इस्लाम इतना खूबसूरत है कि जो इस्लाम वज़ू के अंदर पानी ज़्यादा खर्च करने को मना करता है वो इस्लाम कहाँ किसी का खून बहाने की इजाज़त देता होगा। वो इस्लाम जो सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ है उसको साइड में करने का हुक्म देता है वो इस्लाम कहाँ किसी को पत्थर मारने का हुक्म देगा। आप समझ रहे होंगे जी। हाँ बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर रिहैबिलिटेशन ऑफ एक्स मिलिटेंट के ऊपर काम किया होता, मैंने 2012 में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन और मैंने उसके अंदर उनसे ये कहा था, गवर्नमेंट से बड़े बड़े ऑफिसर से, गवर्नर साहब से मिला था मैं, एनएन वोरा साहब से, राजनाथ सिंह से मैं सर्किट हाउस में मिला था, मैंने उनको कुरान शरीफ दिया था और मैंने उनसे कहा था कि आप रिहैबिलिटेशन ऑफ एक्स मिलिटेंट के ऊपर काम कीजिए, मुमकिन है हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो चाहते नहीं है हालात ठीक करना। देखिए मैं कल तक एक मिलिटेंट था लेकिन आज मैं अमन और इंसानियत और मोहब्बत के लिए काम करता हूँ। देखिए मेरा पास्ट क्या था क्या नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं अल्लाह तबारक व ताला का दीन मैंने को जेल के अंदर पढ़ा, उसको मैंने समझा और उसको समझने के बाद मुझे ये लगा नहीं यार अल्लाह की सरजमीन पर
अल्लाह ने हमें भेजा था तामरूना बिलमारूफ़ के लिए और तनहौना लिल मुनकर के लिए, कि इन नेकी का हुक्म दो और बदी से रोको। क्या शुरू कर, उलाइक अल्लज़ी नश्तरा ज़लालत बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, हमने हिदायत का सौदा ज़लालत से किया और हमने जन्नत को बेच दिया और जहन्नम को हमने ख़रीद लिया। हाँ होता है, देखिए अभी मैं आपको पता है, मैं आपको पता ही होगा मेरे पास्ट के बारे में, तो अभी कुछ दिनों पहले भी मुझे थाने में बुलाया गया और मुझसे पूरी डिटेल मेरी ली गई। मैंने उनसे कहा भाई मैंने इलेक्शन भी लड़ा है, मैंने बाकी चीज़ें भी की हैं, मैं अब पूरी तरह कौमी दायरे में हूँ, मैं चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर कोई ना मरे, हर इंसान इंसान के साथ मोहब्बत की तरह रहे, लेकिन फिर भी मुझे हैरेसमेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है? ये बातें हम आपकी वसात से कहना चाहते हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। अब देखिए एक मिसाल देता हूँ मैं आपको छोटी सी। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है अपनी गोद में, हेलो जी, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है गोद के अंदर, और अगर वो बच्चा उस माँ के छाती को काट लेता है तो माँ उसको उठाकर खिड़की से नहीं फेंक देती, बल्कि अपने उस दूध की जगह को, अपनी उस जगह को साफ करके खून को धोकर फिर अपने बच्चे को उस गले से लगाती है और दूध पिलाती है। तो हम भी इस मुल्क के बेटे हैं, ये मुल्क हमारी माँ है, ठीक है हमने अपनी माँ को काट लिया, लेकिन माँ का फ़र्ज़ ये नहीं है कि वो हमें भूल जाए। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारी तरह एक माँ का जैसा, माँ जैसा सलूक करें, जिससे कि हम भी, हमें देखकर लोग मुतासिर हों और वो ये कहें कि नहीं भाई इनको इज़्ज़त के साथ रहने का मौका मिला है। जी देखिए सर, मिलिटेंसी का टैग तो गवर्नमेंट को ही ख़त्म करना पड़ेगा। इनको इन्होंने एक दफ़ा कहा था कि भाई हम आपको पासपोर्ट देंगे, बाकी चीज़ देंगे, लेकिन नहीं दिया। हम काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे मिलिटेंट होम के अंदर जो बेचारे जेलों से छूट कर आए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास स्कूल की फ़ीस नहीं होती है, उनके पास मकान का किराया नहीं होता है, उनके पास बच्चों के कपड़े नहीं होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी वसात से कि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्सपिल्टर पर काम किया तो आप कश्मीर के अंदर भी रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्सपिल्टर के ऊपर काम करके देखिए। जहाँ आपको ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इंसानियत के काम में जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं, और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी पूरी कौम को कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि इस पूरे मुल्क के अंदर अमन और शांति हो, और हमें भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो वो पुरानी कोताही है उनको माफ़ करें।